हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू क्लास 24 गाइस। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों की डिमांड्स थी कि भाई आप सर, आप इलेक्ट्रिशियन जो प्रोफेशनल ट्रेड सिलेबस है आपका ऑफिशियल, वो जल्दी से बताओ, है ना। तो आज जो भी बच्चे अपने इलेक्ट्रिशियन वाले हैं, जो हमारे असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी करने लगे हैं रेलवे की, तो उनका ऑफिशियल सिलेबस मैं आपको आज बताने लगा हूँ। तो सिलेबस बताने से पहले पहले तो कुछ बच्चे हैं जो काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड हैं, रेलवे के बच्चे। एक तो वैकेंसी को लेके कि सर वैकेंसी का क्या चल रहा है क्या नहीं है। मैं देखो हर वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ कि आपको 2.5 लाख का तो पता लग गया है, वो तो किसी ने कोई बनाया तो है नहीं, रेल मिनिस्टर ने ही अनाउंस किया है ना। जब उन्होंने रिक्त पद बताए हैं, रिक्त पदों की संख्या बताई है, तो ये आप मान के चलो कि भाई कहीं ना कहीं आपको वो वैकेंसी देखने को मिलेगी। कब मिलेगी, कब क्या होगा, वो आगे का एक प्रोसीजर है, मतलब उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि वो चाहे ग्रुप डी को रिजल्ट को लेके आए हो, है ना, रेलवे के जो भी एग्ज़ाम्स लगे थे या फिर जो भी कोई कंपटीशन आईटीआई वाले बच्चे हैं, उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब उनका फेलियर रहा कुछ भी, चाहे आधा मार्क्स से रहा, चाहे 2 मार्क्स से रहा, 1 मार्क्स से रहा। तो देखो यार, फेल होना कोई शर्म की बात नहीं है। मैं उन बच्चों के लिए बार बार ये बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान है, डिसअपॉइंटमेंट है उनके अंदर, निराशा है, तो कोई शर्म की बात नहीं है यार। देखो अपन लोग जो है ना, देखो मैं भी एक नॉर्मल आदमी हूँ, आप लोग भी एक नॉर्मल आदमी है, फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। अपन लोग कोई मुगल फैमिली या अकबर से फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं कि हमारी सोशल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, हार जाएंगे तो दुनिया गाली देगी, वो काम होता रहेगा, गाली देते रहेंगे लोग, तो उस इज्जत की चिंता मत करो आप लोग। मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपना काम करते रहो, है ना, फेलियर से मत डरो। देखो फेलियर का क्या है यार, एक ही तो जीवन मिला है आपको, एक ही तो लाइफ मिली है ना, इसी में तो आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, मतलब प्रयोग करने है, इसी में फेल होना है, इसी में पास होना है। तो दुनिया के दस्तूरों से मत डरो, ठीक है, बस प्रॉब्लम ये है कि गिव अप नहीं करना है। आप अपनी जो भी पढ़ाई है ना, उसको कंटिन्यू रखो। जो भी आपका नॉन टेक टेक जो भी आपको करना है, जिसमें भी आपको लगता है कि इसमें मेरा सब्जेक्ट वीक है, चाहे वो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट हो चाहे टेक्निकल पार्ट हो, अच्छे से करो, जो भी मेहनत कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट अपने हाथ में नहीं होता है, आउटकम्स बिल्कुल भी अपने हाथ में नहीं होता है, आपके हाथ में होता है कि रेस, कि उसमें आपको एफर्ट करना, अपना लड़ाई करना है ना, तो वो कंटिन्यू रखो। और किसी ना किसी दिन आपके ना लड़ाई बेटा बिल्कुल सफल होगी और आपकी जीत है ना एक दिन होके रहेगी। तो घबराओ मत, अच्छा समय आने वाला है ना, बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़ाई करो अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग के मैसेज मेरे पास आते हैं, बहुत अच्छे मैसेज भी बच्चे मुझे करते हैं, है ना, कुछ बच्चे बहुत डीमोटिवेटेड रहते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैंने एक ये मैसेज डाला था कि डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ इतनी बुरी नहीं है जितना अपन लोग बना देते हैं, है ना, मस्त रहो, ठीक है। तो गाइज आज हम लोग बताने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का सिलेबस प्रोफेशनल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइट है, वहाँ से लिया गया है ना। देखो फटाफट बता देता हूँ मैं आपको, ये आपका पूरा एक सेमेस्टर का जो होता है ना सारी चीज़ें, वो है, जाके आप देख लेना, है ना, चैनल के ऊपर मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको देखना है। देखिए देखो गाइस, प्रोफेशनल ट्रेड थ्योरी है, ठीक है, आपके इलेक्ट्रिशियन के लिए, जिसके अंदर क्या है, पूरी सेफ्टी वाला तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग चालू करते हैं हमारा। देखो इसके अंदर लिखा हुआ है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है सोल्डर्स, फ्लक्स, सोल्डरिंग, इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है गाइस, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ओम्स लॉ जो कि आपको पता है वी इक्वल टू आई आर होता है, रजिस्टर्स है, किरचॉफ लॉ जिसमें के सी एल के वी एल आते हैं आपके, किरचॉफ लॉज आते हैं, इसकी एप्लीकेशन आती है, व्हीट स्टोन ब्रिज आपके आता है ना, कॉमन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज है, ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रिंसिपल्स है ना, ड्राई सेल्स आते हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स आते हैं, सारा कुछ इसके अंदर आता है, इन्वर्टर, बैटरी, चार्जर, यूपीएस, ठीक है। अलाइड ट्रेड्स के अंदर भी इसमें ड्रिल्स वगैरह है, जो कि होता है ना अलाइड ट्रेड्स में, मतलब है कि एक मिक्स ट्रेड वाला भी होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल के साथ इलेक्ट्रॉनिक को भी मर्ज कर दिया जाता है, तो वो चीज़ भी इसके अंदर एडिड कर रखी है, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म है ना, इलेक्ट्रिक जो आपके इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे हैं ना, जिनके चैप्टर के नाम बोलता जा रहा हूँ मैं, बाकी इन्होंने डिटेल दे रखी है कि मैग्नेटिज्म में क्या क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट्स, मेथड ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो भी इसके टाइप्स होते हैं, पैरा, फेरो, डाया जो भी होते हैं ना, वो सारा कुछ पढ़ना है ना। सिलेबस जो है गाइस, ये पूरा सिलेबस है, अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, इसके अंदर आपका एसी डीसी में डिफरेंस वगैरह, इनके एप्लीकेशंस वगैरह है ना, एक्टिव रिएक्टिव पावर, थोड़ा सा हो सकता है आपको ज़्यादा लगे,
है ना, आपको हो सकता है ऐसा लगे कि सर यार तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं है बेटा, ये ऑफिशियल सिलेबस है। कोई इसमें अगर आप देखोगे ना इसको, तो इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस है। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे अर्थिंग है, अर्थिंग के अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर मेथड्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ द अर्थिंग, ठीक है। इसके अंदर एप्लीकेशंस होंगी, कैसे कैसे इसको यूज़ करते हैं, है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर होगा। तो ज़्यादा नहीं है, मतलब आप देखोगे तो आधा पेज का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थोड़ी डेफिनेशन होगी एप्लीकेशन, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम्पल दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, कोई न्यूमेरिकल जैसे KCL KVL है, आपके रेजिस्टेंस के वो आते हैं, लॉज आते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये सारा कुछ आता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैं आपको बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में मर्ज कर दी जाती है, वो उनकी एडवांस्ड होती है, ठीक है। तो गाइस ये आपका एक सिलेबस है जो मैंने आपको एक थोड़ा सा ब्रीफली एक संक्षेप में रूप में बताया है ना। बाकी आपको ये सिलेबस कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको टेलीग्राम चैनल है ना, टेलीग्राम अगर ऐप आपने डाउनलोड नहीं कर रखी, डाउनलोड करना, उस पर लॉग इन करना अपना, ठीक है, साइनअप करके, और उसमें आपको शुभम सर मैकेनिकल ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है सेम एज इट इज़ टाइप करना है सर्च के अंदर, है ना। सर्च करोगे शुभम सर मैकेनिकल तो वहाँ पे आपको एक चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको ये सिलेबस पूरा मिल जाएगा। साथ के अंदर आपको क्लास 24 ऐप डाउनलोड करना है, उसको डाउनलोड कर लेना। उससे क्या है कि आपकी जो भी भर्ती है रेलवे की आएगी, ALP टेक्नीशियन की, जो भी टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, तो सारी जो भी अपडेट्स हैं वो आपको इस एप्लीकेशन के ऊपर मिलती रहेंगी, कोर्सेज की जानकारी वगैरह सारा कुछ, ठीक है। बाकी ये चैनल डाउनलोड कर लेना और अच्छे रहो, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त लाइफ होगी आगे, ठीक है। बी ऑप्टिमिस्ट, ठीक है, आशावाद रहो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव रहो अपनी लाइफ में, ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच क्लास से जुड़ने के लिए, थैंक यू।